जेल में बैठे मनीष सिसोदिया की अचानक होने लगी तारीफ, केजरीवाल भी हुए खुश। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल मनीष सिसोदिया जब से दिल्ली के शिक्षा मंत्री बने थे तब से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती हुई नजर आई थी, जिसका ये प्रमाण देखा गया कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे IIT और डॉक्टरी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले गरीब परिवार के बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियरिंग का सपना देखना भी मुश्किल होता था, लेकिन जब से मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बदल कर रख दिया तब से गरीब के बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के मामले में फरवरी 2023 को जेल में डाला गया था। ईडी के द्वारा मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। तब से अभी तक मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत की याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया था। तब से मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच मनीष सिसोदिया की टीम ने एक ट्वीट कर राजनीति में भूचाल लेकर आ गए। दरअसल मनीष सिसोदिया के ट्विटर हैंडल से मनीष सिसोदिया की टीम ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली में पहली बार सरकार बनने पर बतौर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा को आप सरकार का राजधर्म बनाया था। दिल्ली से शुरू हुई मनीष जी की शिक्षा क्रांति अब पंजाब पहुंच चुकी है। पंजाब सरकार ने भी बजट में शिक्षा को प्राथमिकता दी है। दिल्ली के साथ साथ अब पंजाब के बच्चों का भी भविष्य बेहतर होगा। टीम मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि इसके साथ एक आर्टिकल भी शेयर की गई है। यह आर्टिकल अमर उजाला का है, जिसमें लिखा है कि मान सरकार इस बार शिक्षा पर खास फोकस करने वाली है, जिसमें मान सरकार 16,987 करोड़ से पंजाब के सरकारी स्कूल की सूरत बदल देगी। फिलहाल मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, लेकिन मनीष सिसोदिया के द्वारा चलाया गया शिक्षा क्रांति अब दिल्ली से पंजाब पहुंच गई है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि मनीष सिसोदिया किस समय तिहाड़ जेल से बाहर आते हैं और किस समय अपनी राजनीति की दूसरी पारी स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बर्डियार की रिपोर्ट।